लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 300, 250, 100, 50, 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
मेरे डोले बन गए। ए राजू इधर आ। क्या है रे, क्या कह रहा? अरे तो जरा अदब से भी कह सकता। ए देख ये मेरे डोले एकदम सलमान खान के जैसे है ना। सही बोलू क्या झूठ बोलू, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएंगे भाई। अबे राजू एकदम सच सच बता, मेरे डोले सलमान जैसे है ना एकदम। ओ भाई अड्डी दादा, ये तेको दिख रहा है आम का झाड़ है, इसकी जो सबसे बारीक फांटी है ना, और वैसे दिख रहे तेरे डोले। अबे अब तू ना दिमाग खराब कर दे ले, चल निकल यहाँ से। अरे तो तूने बुलाया तो आया ना मैं, है लगाया वहाँ बुरी गत के। अबे चल निकल। अरे चले हालत भी काम हो गई, अब फिर से डन बैठक करना पड़ेंगे। ये 400, ये 450, ये 500। भैया जी भैया जी। ओ भैया जी। अरे ओ भैया जी, कहाँ हो भैया जी? आए मेरे को जख्मी कर दिए और खुशहाल फिरिंग रास्ते पे। हाँ हम तो का जख्मी करे। अरे भैया हम तो खुद ही तो से 2-3 दिन से नहीं मिले। क्या झूठ बातें कर रहे भैया जी, रात में मेरे सपने में तुम आए, मेरा हाथ ऐसा मरोड़ दिया और पत्थर से मेरे सिर भी फोड़ दिया। अरे भैया काहे गरीब के फोकट में बदनाम करा तो यार, हम तो हर सपने में कब आए हैं, हाँ काहे हम का बदनाम कर रहे हो। एक भैया जी झूठ पसाद बिल्कुल बोल मत आए, मेरे पास मेरे सपने की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें तूने आके मेरा हाथ मरोड़ा और मेरा सर फोड़ा। हाँ सपनों की वीडियो रिकॉर्डिंग? हमें यार तुहार पास सपनों की वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई? अरे तुमको मालूम नहीं क्या भैया जी, एक नया ऐप आया है जिसमें सपने की वीडियो रिकॉर्डिंग होती। सोच ले भैया जी, अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग लेके मैं पुलिस स्टेशन चला गया ना तो कम से कम 6 महीने की सजा होंगी और पिछोड़ा लाल होगा वाला। अरे यार भैया ऐसा मत करो यार, वो रिकॉर्डिंग मत ले जाओ, कितना पैसा हुआ है इलाज का? ऐसे तो मैं दूसरे से 5,000 रुपए लेता, तुम अपने संबंध के तुम मेरे को 2,000 रुपए दो। नो 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 नो। 1,000 रुपया? चलो ठीक है, देखो पूरा 2,000 रुपया है। हाँ और मैं क्या बोल रहा, समझा के बोल रहा, आइंदा से मेरे सपने में मत आना है। हाँ अभी 2,000 लेके छोड़ दिया, अगली बार पूरे 5,000 लूंगा, सपने में आना मत। oh, shit! Oh, shit! Oh. हम एक सपने में कब गए हैं यार? हमारी मत मारी गई है का जो एक सपने में जाई है? अच्छा सपने में गए तो गए, एक सर भी फोड़ दिया हम। What? अब कौनों के सपने में ना जाएगा। हाँ चलो ए शहद ले लो शहद। ओ शहद अली। अरे इधर है नरम। क्या साथ तेरे मार रहे, क्या शादी कर रहे मेरे साथ? सामने आके खड़े रहो। बोल ये बाटली में भर के क्या बेच रहे? नींबू पानी बेच रही तुम? नींबू पानी? अरे मैं कब से आवाज दे रहा, शहद ले लो शहद, छोटी मक्खी का बड़ी मक्खी का शहद, और फिर पूछ रहे नींबू पानी बेच रहे क्या? ओरिजिनल है क्या? अरे ओरिजिनल ही रहता मेरे पास। हाँ लेकिन मेरे को ओरिजिनल शहद नहीं होना। हाँ फिर मेरे को है ना शहद की मक्खी होना। अरे मगर तू शहद की मक्खी का क्या करेगा? क्या करूँगा? अरे क्या करूँगा मत पूछो, उसकी ना मैं लाल मिर्ची नमक मसाला डाल के एकदम फर्स्ट क्लास चटनी बनाऊंगा, सब मजे से खाऊंगा, फिर जो बचेगी ना उसका मैं सूप बनाऊंगा, सूप बना के पीऊंगा। मक्खी की चटनी बनाएगा, सूप पिएगा, कह रहे चाइना से आया क्या तू? ए भाई तेरे पास मक्खियां होंगे तो बोल, पारा बाता मत कर, तो निकल इधर से। अरे तेरे पास रुक भी कौन रहा? बोले मक्खिया की चटनी बनाऊंगा, सूप पीऊंगा।
बारा बातों मत कर है? चटनी बना रहा, सूप बना रहा, एक तो साला भूखा पैसा घर से निकला, मुंह में मेरे पानी आ रहा ना पूरी रात के। ए शैत, एकदम मीठा टेस्टी शैत। जी दादा, ऐसा भी राजू साला सुबह से भटक रहे अपुन, आए कोई शहद ले नहीं रहा। आज तो मैं हड्डी दादा को ये शहद पिना के रहूंगा, पर साला कैसा पिनाना। हाँ, आइडिया, चल राजू। हाँ हड्डी दादा, जरा पकड़ तो, जरा फोन आया मेरा। ये सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा ना कभी भी फोन कर देता, देखता भी नहीं कि का है, धंधे पे है क्या। आ बोल शेरा। हाँ, पांच बोतल। अरे शेरा एक बात बता दे रहा है मैं। हाँ, मैं 500 रुपए के हिसाब से शहद की बाटली दूंगा नहीं, मैं 1000 रुपए के हिसाब से दूंगा, बोल दे रहा तेरे को मैं। दूर करना मुंह, सलमान खान से बात कर रहा मैं। हाँ बोल दे रहा, फिर लाया मुंह। हाँ शेरा, अरे मेरा शायद काका के तो उसने बॉडी फुगाइल है, धड़ाधड़ पिक्चर में काम मिल रहा क्या। हाँ ठीक है, वो सलमान को बोल देना है। हाँ 5000 मेरे अकाउंट में डाल दे, मैं इधर से 5 बाटलियां डाल दे रहा। हाँ और 1000 रुपए के हिसाब से भेजा है, बोल दे रहा तेको। हाँ चल रख, धंधे का टाइम है अभी, टाइम नहीं अपने पास। ला रे भाई ला, जान दे तो धंधे का टाइम है। ए राजू रुक, वो सलमान खान फिल्म स्टार तेरी शायद खा के मोटा हुआ क्या रे? नहीं तो फिर क्या है? अरे मेरी शायद खा के तो उसने बॉडी बनाए ले। ला भाई, रिकामे परेड़ मत कर, ला जान दे। ए राजू मुझे भी एक देना। देखो भी हो ना। हाँ भाई, 1000 रुपए की बाटली दूंगा मैं, बोल दे रहा। तू ये पकड़, मैं 1000 रुपए दे रहा तुझे। ये ले 1000 रुपये। हाँ। और ये 100 रुपया तेरी टिप रख ले। ऐसा? हाँ। चल अल्लाह बाटली, चल उठा ये। हाँ। चल जाओ फिर। हाँ अब ये मैं भी पीऊंगा और सलमान जैसी बॉडी बनाऊंगा। अरे एकदम सलमान जैसी बॉडी बन जाएंगे। अरे क्या हो मैनेजर, तुमने बोले थे ना गांव में पीने के पानी का बंदोबस्त करेंगे, कब करेंगे, अभी तक पानी क्यों नहीं आया? अरे ये बूबू क्या कर रहे है, पीने का पानी का बंदोबस्त कब होगा? अभी मैनेजर को क्या हो गया, मैं कुछ भी सवाल पूछ रहा खाली फौ फौ कर रहा, ये मार भी दिया बुरी गतके ने, मैं क्या करूं क्या। भैया जी को बुलाता। ओ भैया जी इधर आओ। कहाँ कहाँ तो डब्बू? अरे मैनेजर को पता नहीं क्या हो गया है, मैं कुछ भी सवाल पूछ रहा ना खाली भो भो कर रहा है वो। कहा बात करो तो, मैनेजर भू भू कर रहा है। हाँ तुमको अगर यकीन नहीं आ रहा ना, तुम कुछ भी सवाल पूछो, तुम पूछो उसको। अच्छा मैनेजर जी, भैया जी का प्रणाम। देखे ये आया यकीन। अरे हमका तो लागा था ना डब्बू। हाँ। मैनेजर के अंदर है ना कुत्ते की आत्मा परवास कर गई है। क्या बात कर रहे हैं? हम तो कहा थे ना चलो निकलो इधर से। क्या रेड्डी कहा जा रहा? मैनेजर के पास जा रहा मैं। मैनेजर के पास? अबे उसके पास छामत ना मालूम क्या हो गया उसको, हम कुछ भी सवाल पूछ रहे ना खाली कुत्ते ऐसा भोग रहा हो। oh, no. अबे हड्डी दादा है ना सेल लोग से मजाक करता, तो वो भी तो इंसान है ना, और हड्डी दादा सुन ले किससे नहीं डरता, मैनेजर से बात करेंगे हड्डी दादा। oh, no. क्या हो भैया जी? अरे हड्डी दादा तो के समझा रहे हैं, समझ लो, और अगर समझ में ना ही आवत है तो जाओ, अगर तुहार घेर के आई है ना तो जाओ। अरे हड्डी दादा किससे नहीं डरता, तुम दोनों चलो हटो, चलो हटो हट। No, 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 no.
अरे सीधा खड़े रहे ना, क्या हुआ देखो। ओ भैया जी इधर आओ। कहाँ कहा था राजू? अरे भैया जी मैं जो भी इससे पूछ रहा ना, तो ये कावरेल कुत्ते कैसा भौंक रहा देखो तो। अरे भैया जी मेरे को तो लगता है ना ये हड्डी दादा कोई ना मैनेजर ने काट ले ले, वो देखो हाथ सुरा रहा, वैसे ये भी ना कुत्ते जैसा भौंक रहा। अरे राजू भैया हम कहा कही थी, ये हड्डी दादा मैनेजर के पास गवा रहा और मैनेजर के अंदर है ना मरे कुत्ते की आत्मा प्रवेश कर गई है और जौने के काट रहा है ना मैनेजर, कुत्ते का जैसा भूख रहा है। क्या? हाँ भा, भा। हाय दोस्तों अगर आपको हमारा ये गेग पसंद आया होगा तो इसे लाइक करो, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करो, अच्छी अच्छी कमेंट लिखो और हाँ दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।